दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, मैं स्वागत करता हूँ औद्योगिक पॉलिसी का। पॉलिसियाँ पहले भी आई, लेकिन मेरा सुझाव है केवल पॉलिसी नहीं, पॉलिसी के साथ प्रोसीजर भी आना चाहिए। अगर जब तक उद्योग के प्रोसीजर नहीं आया, उद्यमी को मालूम ही नहीं है इसमें करना क्या है। दूसरा इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम होती है, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी पर, एक डीआईसी से दूसरे डीआईसी में इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम हुई नहीं और फंसता कौन है, उद्यमी। इसलिए पॉलिसी के साथ प्रोसीजर हो, उस प्रोसीजर में हर कार्य की एक समय सीमा तय हो, तो ये 7 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, और अगर उस दरमियान नहीं किया जाता है उसके अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही। जब ही हम अगर इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसी ला पाएंगे और उद्योग विभाग को इंडस्ट्रियल फ्रेंडली बना पाएंगे। अभी खाली बातें हो रही है, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि उद्योग विभाग जो काम कर रहा है वो उद्यमी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रहा है, और ये प्रोसीजर नहीं होने के कारण से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए ये आवश्यक है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ इंडस्ट्रियल प्रोसीजर भी हो, हर पॉलिसी में क्या क्या एडवांटेज है, उनको प्राप्त करने का क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए लिस्टेड हो, और उन्हें काम को पूर्ण करने की समय सीमा तय हो।